हेलो एवरीवन, आज हम लोग रैम्बर रिएक्शन पढ़ेंगे। रैम्बर रिएक्शन एक्चुअली क्या है ना, ये हेलो हेलो सेल फोन्स हैं और अल्फा हेलो सेल फोन्स हैं। इससे बेस के प्रेजेंट में एल्कीन बनता है, जो मेन जो पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, ये नौ रिजियो सेलेक्टिविटी नहीं होती। इसमें ई बनेगा, जेड बनेगा, इसका कोई वो नहीं रहता है, श्योरिटी नहीं रहती, श्योर नहीं रहता है। तो ठीक है, हम देखते हैं बेस है ये क्या है। हेलो अल्फा हेलो सेल फोन्स, ठीक है, अल्फा हेलो सेल फोन्स है, बेस है। बेस का काम क्या होता है, एच को एब्स्ट्रैक्ट करना। ये इधर आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब देखिए माइनस है, एक्स है, हेलोजन है, इसको लीव का कोई भी लिविंग ग्रुप है, एक्स है यानी ये हेलोजन है, लीव का गुड लिविंग ग्रुप है, लीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, थ्री मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड हो। देखिए एसओ टू कैसे लीव होगा, ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है, क्या बना है एल्कीन हमारा आर। यहाँ पे कोई ई जेड का नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कार्बन दोनों पे एच लगा है, तो हम ई जेड नहीं कह सकते कि कौन सा एल्कीन बना है। सो हमें ये जो पॉइंट याद रखने वाला है, नो रिजियो सेलेक्टिविटी, नो इज़ेड। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, एक्स है, यहाँ पे एक हम मिथाइल लगा देते हैं, बेस है अल्फा, वैसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एक्स मिथाइल माइनस चार्ज लीव करेगा। एसओ टू गैस है, इसलिए ये रिएक्शन फेवर। आपको पता है ना गैस की एंट्रोपी, गैस कोई भी रिएक्शन में लीव होती, तो यहाँ पे ये बन गया जेड, सॉरी ई, यहाँ पे बन गया ई एल्कीन। तो ठीक है, इसमें हम श्योर नहीं बता सकते कि ई बन रहा है कि जेड बन रहा है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया हुआ। लास्टली इसी में एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, ऐसे एग्जाम सीएसआईआर नेट में बहुत पूछे जाते हैं, सो आपको याद है जैसे जूलिया ऑल्फिलेशन होता है, तो उसमें क्या रहता है, मेजर जो एल्कीन बनती है वो ई ही बनती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई रेजियो सेलेक्टिविटी नहीं है। एच देखिए कोई भी हमें बेस दिया है, ठीक है, ये बेस है, ये आपको अच्छे से पता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, सेटल के एन का मतलब क्या है कि कितने कार्बन
सर ये यहाँ पे कितने भी एक दो तीन कितने मेंबर्ड कार्बन हो सक कितने और कार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है।